नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइटल प्रोफेसर में। आज हम जनसंख्या के दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि जनसंख्या को तीन वर्गों में डिवाइड किया गया था, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और फिर 65 वर्ष और उससे ऊपर। इनके नामों पे भी हमने चर्चा की थी। भविष्य का संसाधन है वर्तमान या कार्यशील, जो हमारी गतिशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और इनको हमने अर्थव्यवस्था पर बोझ बताया था और उससे रिलेटेड हमने देखा कि किस तरीके से इस जनसंख्या के लोग अगर जिस देश में ज़्यादा हों वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद उसमें देश में विकास कैसा होता है, निवेश ज़्यादा होता है या कम, बचत कितनी होती है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जन्म दर कम है। अगर किसी देश की जनसंख्या जन्म दर अगर कम है, जन्म दर कम होने से क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, जनसंख्या में वृद्धि कम, पॉपुलेशन में वृद्धि कम। हमने जनसंख्या को हर जगह हम पी से लिखेंगे, ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। जन्म दर अगर कम होगा तो पॉपुलेशन में वृद्धि भी क्या होगी? कम होगी। पॉपुलेशन में जब वृद्धि कम होगी, पॉपुलेशन में वृद्धि कम होने से श्रमिक की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, श्रमिकों की संख्या कम, श्रमिकों की संख्या कम होगी। श्रमिकों की संख्या कम के वजह से श्रम लागत में क्या हो जाएगा? वृद्धि, श्रम लागत में वृद्धि, श्रम लागत में वृद्धि, जिसके वजह से उत्पाद महंगा होगा, निर्यात कम होगा, उत्पाद महंगा, निर्यात उत्पाद क्या होगा, महंगा होगा या कम होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं इनको पॉइंट वाइज आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यदि किसी देश के जनसंख्या की जन्म दर ज़्यादा है तो उसके उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन पॉइंट वाइज जो चीज़ें लिखी जाती हैं इससे आपको एग्जाम में बेनिफिट श्योर होने वाला है। अगर श्रमिकों की संख्या कम हो तो श्रमिकों की आपूर्ति क्या होगी? बाधित होगी, श्रमिकों की आपूर्ति बाधित, जिस वजह से आपूर्ति बाधित होगी तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से आप देखेंगे आर्थिक समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? इन पॉइंट्स के थ्रू हमें यही देखना है कि किस तरीके से अगर किसी भी एग्जाम में अगर आए कि जनसंख्या की वृद्धि अगर कम है तो उसके आर्थिक समृद्धि के प्रतिशत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? उत्पादक ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, श्रमिक की आपूर्ति बाधित होगी या बाधित नहीं होगी, श्रम लागत में वृद्धि होगी या कम होगी। तो ये छह इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं जिनको कि हमें समझना है और आसानी से आप इसे तभी समझ सकते हैं, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिखें और फिर इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, जनसंख्या में अगर अत्यधिक वृद्धि हो जाए, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया होगा, हम आगे चलते हैं। जनसंख्या में अगर अत्यधिक वृद्धि हो जाए,
उस सिचुएशन में फिर से वही पॉइंट पर सारी चीज़ें हम देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि होने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या में पॉपुलेशन में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि होने से पॉपुलेशन में सभी को रोजगार देना संभव नहीं होगा, रोजगार में कमी देख सकते हैं, रोजगार में कमी होगी, रोजगार में कमी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या का बड़ा भाग अर्थव्यवस्था पर बोझ हो जाएगा, जनसंख्या का बड़ा भाग अर्थव्यवस्था पर बोझ। फिर हम देखेंगे इसके साथ आय का बड़ा भाग उनको खिलाने पर खर्च होगा, जिससे क्या होगी, बचत कम होगी, बचत कम होगा तो उससे क्या होगा, निवेश कम होगा, बचत कम से अब तो इसको इतनी बार मैंने एक बात दिया है कि ये तो आपको याद होगा, निवेश कम होंगे, निवेश कम से औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिकरण कम होगा कम हो जाने से आप देखोगे कि आर्थिक समृद्धि में कमी है, आपने देखा होगा एसएससी के एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या में अगर अत्यधिक वृद्धि हो तो उसके आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या होगा, कम प्रभाव पड़ेगा या ज्यादा होगा, कम होगा, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि अगर जनसंख्या अत्यधिक है तो आर्थिक समृद्धि में प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा हमें आज से। अब आइए एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं क्योंकि, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में, अधिक संख्या में क्या होगा इसके वजह से, यदि हम अधिक संख्या में हैं तो आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च, तो बड़ा भाग कहाँ चला जाएगा, खिलाने पर, बड़ा भाग खिलाने पर खर्च। दूसरा पॉइंट फिर से अगर आप उसी पे आ जाइए, खिलाने पर खर्च होगा तो बचत कम, बचत कम, उसके बाद निवेश कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, औद्योगिकरण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, जिसके बाद देखिए पॉइंट हमारा आएगा रोजगार का सृजन कम हो जाएगा, रोजगार का सृजन कम जिससे गरीबी में वृद्धि, गरीबी क्या हो जाएगी, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या के प्रभाव से, जनसंख्या की कमी से, जनसंख्या में वृद्धि से, अगर हम जनसंख्या में जाते हैं तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इन सारी चीजों को हमें देखा कि जनसंख्या का तार किस तरीके से आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है, जनसंख्या की वो तार किस तरीके से आपके औद्योगिकरण से, निवेश से, बचत से, इन सभी तारों को हमने आज देखा, इनके जो जुड़ाव हैं उनको समझने की कोशिश की। अब अगले क्लास में हम अनुकूलतम जनसंख्या और मार्थस का जनसंख्या सिद्धांत इस पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, जनसंख्या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे
ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और जनसंख्या के लिए हमारा दूसरा वीडियो है, आई होप आपको पसंद आना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।